महज 11 साल का एक भारतीय बच्चा जल्द ही यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रूस की चढ़ाई करने वाला है। अगर वो इस चोटी पर चढ़ने में कामयाब होता है तो वह इस चोटी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही बन जाएगा। रूस भारत संवाद की वेबसाइट के अनुसार 20 अगस्त से आर्यन ने एल्ब्रूस की चढ़ाई करना शुरू कर दी है। इस चोटी पर चढ़ने से पहले आर्यन ने अपने माता पिता के साथ अलग अलग ऊंचाइयों की चोटियों पर अनेक दिन गुजारे हैं ताकि वो अपने यहाँ की जलवायु के अनुकूल हो जाएं और पर्वतारोहण का पूर्वाभ्यास भी कर लें। विशेषज्ञों के अनुसार एल्ब्रूस विश्व के 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल चोटियों सहित कई चोटियों के मुकाबले तकनीकी रूप से मुश्किल पर्वत नहीं है, लेकिन ऊंचाई परिवर्तन और तेज हवा और जमा देने वाली ठंड की वजह से अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी इस पर चढ़ाई करना काफी मुश्किल भरा होता है। जब बालाजी से पूछा गया कि एल्ब्रूस की चढ़ाई करने की बात से क्या आपको डर नहीं लगता, तो 11 साल के मासूम बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि डर तो नहीं, लेकिन थोड़ी उत्तेजना जरूर है। 11 साल के आर्यन बालाजी के साहस की यह पहली गाथा नहीं है। इससे पहले भी कई पर्वतों पर चढ़ने का कीर्तिमान उनके नाम दर्ज है। यहाँ तक कि खेलकूद और सामाजिक सेवाओं में भी उन्हें राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है। आर्यन ने 7 साल की उम्र में ही एवरेस्ट आधार शिविर और काला पत्थर की चढ़ाई कर ली थी। 7 साल 10 महीने की उम्र में बालाजी ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो और 8.5 साल की उम्र में हिमालय की शीतिधर शिखर और मैत्री शिखर की सफल चढ़ाई पूरी कर ली थी। इतनी कम उम्र का आर्यन केवल पर्वतारोहण ही नहीं करता, बल्कि वह गोताखोरी, एक पहिए वाली साइकिल की सवारी, स्केटिंग, नौकायान, गोल्फ खेलना, अभिनय और मॉडलिंग भी करता है। 2014 में आर्यन को खेलकूद, साहसिक कार्यों और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्राप्त है। 2012 में सामुदायिक सेवा के लिए आर्यन को गांधी सेवा मेडल से नवाजा गया है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कुछ इसी जज्बे के साथ आर्यन अपनी मुहिम पर निकल चुके हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।